पाक टीवी 24 के मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर 2020 को मुल्क भर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां योम पैदाइश मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत पाकिस्तान ने योम कायदे आज़म के मौके पर आम तादीलात का ऐलान किया है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को हिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीर का भी एहतमाम किया जाएगा। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को सिंध के मौजूदा दारुल हुकूमत कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज 1882 में किया। 1893 में आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड रवाना हुए, जहां उन्होंने 1896 में वकालत का इम्तिहान पास किया और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वतन वापस आए। बाबा कौम ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। ताहम 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी दौरान उन्होंने खुद मुख्तार हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ्फुज़ की खातिर मशहूर 14 नुकात भी पेश किए। मुसलमानों के हुकूक और अलहदा वतन के हुसूल के लिए अंथक जद्दोजहद ने कायदे आज़म की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए। 1930 में उन्हें टीबी जैसी खतरनाक मर्ज लाहक हुई, जिसे उन्होंने अपनी बहन मुख्तरमा फातिमा जिन्ना और चंद करीबी रफका के अलावा सबसे छुपाए रखा। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 11 दिसंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना खालिक़ हकीकी से जा मिले।